भाई बादशाह की एल्बम सुनी, यस यस। एंड मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि डिवाइन, अरिजीत सिंह, एमसी स्टैन तो छोड़ ही दो, लौड़े 80,000 के शूज है, 80,000 के जितने भी बाकी और आर्टिस्ट है, कि मेरे को उन सारे फीचर से बढ़िया नौरा फतेही का फीचर लगे। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था, सही में। पूरी एल्बम में से सिर्फ 3 गाने ऐसे हैं जो मैं सुनूंगा, सिर्फ 3 गाने। एक तो डाकू है, लेकिन भाई जो वो गाना है करण औजला और बादशाह वाला, भाई इट्स सो, ओ माय गॉड, इट्स सो गुड। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, इट्स सो गुड। गॉड डैम है गाने का नाम, पहला गाना है वो एल्बम का, इट्स सो गुड। मैंने एल्बम ना पूरी गाड़ी में सुनी थी, मैंने बिना म्यूजिक वीडियो के सुना था, मैंने गाड़ी में चलाई एल्बम और पहला गाना भाई स्लैप कर रहा था ना सीधा। आई वाज सो हैप्पी कि भाई इन दोनों ने मिलके गाना बनाया और वो पहला गाना था एल्बम का। गॉड डैम मेरे को बहुत अच्छा लगा, फाइनेस्ट ट्रैक है वो पूरी एल्बम का। उसके बाद आगे चलते चलते धीरे धीरे आए हैं बाकी गाने, एक इक्का डीनो जेम्स और बादशाह वाला भी है, वो जब मैं सैड होऊंगा मैं तब सुन लूंगा। लेकिन सेकंड सॉन्ग जिस पे मैं आई वाज लाइक भाई फक यह, वो नौरा फतेही वाला था, नौरा फतेही और बादशाह वाला, बॉडी ऑन मी है शायद नाम उसका, वो था भाई, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई नो वो सेम सैंपल है, जो मतलब कौन सा गाना है यार, एक कोई तो पुराना गाना है, ठीक है, वो सेम सैंपल यूज करा हुआ है, बहुत नोन सैंपल है वो, बट भाई कान फाड़ गाना था, ठीक है। लेकिन जो बाकी एल्बम थी, आई वाज लाइक यार बाकी एल्बम में मेरे को इतना मजा नहीं आया पर्सनली, ठीक है, मैं वो पर्सनली मेरा मजा नहीं आया। आई मीन इट्स ऑलराइट, लाइक मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है, रफ्तार वाले से ट्रैक से, बट 47 वाले से काफी एक्सपेक्टेशंस थी, नहीं बनी बात। तभी तो मैं सरप्राइज था कि भाई नौरा फतेही वाला क्रेजी, भाई वो गाना बहुत अच्छा है। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन जेक पॉल वर्सेस माइक टायसन? यार मैं ये सोच रहा हूँ कि सारे जेक पॉल को ही क्यों गाली दे रहे हैं, वो तो बिजनेस कर रहा है ना, उसको दिखा भाई माइक टायसन को वो ला सकता है, भाई पैसे मिल रहे हैं बढ़िया, माइक टायसन भी तो आया ना पैसे के लिए। सारे गाली बक रहे हैं जेक पॉल को, अरे यार वो दोनों पैसे कमा रहे हैं, जेक पॉल को अपॉर्चुनिटी मिल गई टू फाइट माइक टायसन, भाई ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात। बट हाँ मैं समझ रहा हूँ, ये फेयर फाइट तो है ही नहीं, ये फाइट ही नहीं है, इट्स अ प्रमोशन गेम, ठीक है, इट्स अ मार्केटिंग गेम, पैसे कमाने वाली बात है बस, ये कोई प्रॉपर फाइट नहीं है। और अगर ये होती तो माइक टायसन फाड़ देगा जेक पॉल को बीच में से, मेरे को ऐसा लगता है। डेली हाइलाइट्स और डेली कंटेंट के लिए, लाइव स्ट्रीम्स के लिए, फन के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें पक्का से मजा आएगा और बहुत फन आएगा, ठीक है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब।